मैं करीब 40 साल पहले यहाँ इंडिया में आ गया टूरिस्ट जैसे, और इधर उधर घूमते भगवत गीता पर मेरा आत्मा, और भगवत गीता पर पढ़ लिया तो मेरे को पता लगा गुरु भी ना भगवान प्राप्त नहीं है। और कोई बोला है वृंदावन दर्शन करो, वृंदावन आ गया, वृंदावन से राधाकुंड में पहुँच गया, और राधाकुंड में पहुँच गया मैंने समझा, मैंने सोचा यही रहूँगा, यह पसंद आ गया। एक पड़ोसी का कहना से और एक से सेवा करना सीख गया, फिर इसके बाद अच्छा रस्तम पर हुआ मिला, कोई खड़ा नहीं हो पाए, कोई फार्म टूट गया, एक लाए दो लाए दस हो गया। अब वहाँ गांव में जो जगह किराए से लाया वो छोटा पड़ गया, फिर यहाँ से ले लिया, ये भी किराए की है और नाम बढ़ते रहा, 10 हो गया, 50 हो गया, जब 100 हो गया मैंने बोला और बढ़ा नहीं सकता, कहाँ से आएगा पैसा खर्च हो रही बहुत यहाँ में, लेकिन रुक ना पाए, अब तो 1800 है। करीब तो 125 फार्म टूटा है और बहुत है जो मन के लिए आते हैं, आ जाता इसे एक्सीडेंट हो गया तुरंत मर जाता, कोई 2-4 दिन में मर जाता, कोई बचता भी है। आ जाता बुद्धि के विकलांग गया, चोट लगा हुआ है इनका छोटा बच्चा है, इनके नीचे या मरने से पहले और एक बच्चा हो जाता उनको गई के नीचे लगा लेता और फिर भी दूध कम पड़ता, तो हम 30 किलो दूध और मांगवाता बाहर से दूसरे गौशाला से खरीद के बच्चा को पालन करने के लिए। करीब 9 कर्मचारी है, 9 काम करता, क्योंकि बीमार हो गए इनके बीच में, के पीछे बहुत आदमी चाहिए, कोई खड़ा करना, कोई बाजार बदलना, दवाई देना, इंजेक्शन देना, पट्टी करना, वो एक दो आदमी से नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा आदमी लगा रखा। और दवाई आता कुछ डोनेशन से आता, कुछ हमारा अपना घर की पैसा है, ऐसा चला रही है, लेकिन इतना नहीं आ रही, इतना डोनेशन नहीं हो रही है जितना ज़रूरत है। मथुरा रोड से आई हुई है, इसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जो डंपर था उससे एक्सीडेंट हुआ था, इसकी हमको फ़ोन पर सूचना मिली थी, हमारी एम्बुलेंस उस जगह जाके इस गाय को लेके आई, तो इसका हड्डी डैमेज थी, तो इस जगह इसका ट्रीटमेंट किया दीदी ने, तो अभी इसके काफ़ी 50% फ़ायदा है इस गाय के। हमारी दीदी हैं वो डॉक्टरी का भी काम संभालती हैं, वो देखभाल रखती हैं, कुछ सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, उनका भाव अच्छा है गाय में, तो बहुत ज़्यादा सेवा वही करती हैं, उनके साथ साथ हम भी सेवा करते हैं जैसी बनती है वैसी। पर गाय यहाँ अधिकतर एक्सीडेंट की आती है, इसको ऐसे समझो अनाथ आश्रम। जब आया तो ये पर आया, अब बच गया, सब नहीं बचता लेकिन ये बच गया, उसका नाम है राम भरोसा।